तो ये वीडियो है प्रीवियस वीडियो का पार्ट टू। सो जिसने पार्ट वन नहीं देखा है वो जाके पार्ट वन देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रिमाइंडर ऑफ पार्ट वन। पार्ट वन में हमने देखा था कि कैसे गट्स एक साइक्लोप से लड़ता है और ग्रिफिथ को बचाता है एंड इमोर्टल मॉन्स्टर आके ग्रिफिथ को दोबारा जन्म लेने को कहता है द एक्लिप्स। अब ये सब देख के ग्रिफिथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ग्रिफिथ घोड़ा गाड़ी लेके भाग जाता है जिसके पीछे गट्स भी जाता है एंड थोड़ी दूर जाके ग्रिफिथ को अपना लॉकेट मिलता है और सामने से आता हुआ गट्स देखता है कि सूरज ग्रहण हो रहा है एंड चारों ओर से डीमंस आ रहा है। गट्स भाग के ग्रिफिथ के पास जाता है और जब गट्स ग्रिफिथ को सोता है वो लॉकेट एक्टिवेट हो जाता है और सबके सब किसी दूसरे डायमेंशन में चला जाता है एंड वहाँ पे एंट्री होती है गॉड हैंड्स की और वो गॉड हैंड्स आके ग्रिफिथ को कहता है कि वो उसका सपना पूरा कर सकता है बट इसके लिए ग्रिफिथ को अपने हर एक लोगों को सैक्रिफाइस करना होगा, यानी बैंड ऑफ हॉक्स को सैक्रिफाइस करना होगा। लेकिन गट्स को पता था कि ग्रिफिथ ऐसा नहीं करेगा, जिसके बाद ग्रिफिथ सोचता है कि गट्स के वजह से ही उसको इतना कुछ झेलना पड़ा था और जब गट्स ग्रिफिथ को बचाने के लिए आता है तभी ग्रिफिथ डिसाइड करता है कि वो सभी बैंड ऑफ हॉक्स को सैक्रिफाइस कर देगा, जिसके बाद बॉयड हर किसी पर ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस लगा देता है और सब डीमन का खाना बन जाता है। लेकिन गट्स जैसे तैसे डीमन को मार के सर्वाइव कर रहा था, जिसे देख के गॉड ऑफ हैंड्स भी शॉक हो गया था कि एक इंसान के अंदर इतना ज्यादा ताकत कैसे है। और इसके बाद गट्स देखता है कि उनमें से कोई भी बैंड ऑफ हॉक्स जिंदा नहीं होता है, हर कोई डीमंस का खाना बन चुका होता है एंड तभी गट्स देखता है कि वो डीमंस कैस्का को पकड़ लिया है और ग्रिफिथ उसे रेप करने की कोशिश कर रहा है, जिसे देख के गट्स बर्जर्क बन जाता है और अंधाधुंध सबको काटने लगता है। बट तभी एक डीमन गट्स को जकड़ लेता है और तभी ग्रिफिथ का जन्म होता है एक फैटोम के रूप में और ग्रिफिथ अपने गुस्सा निकालने के लिए गट्स के सामने कैस्का को रेप करता है, जिसे देख के गट्स अपने हाथ को काट के ग्रिफिथ को रोकने की कोशिश करता है बट ग्रिफिथ गट्स को डीमन से रोक के रखता है और उसे ये सब देखने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद गट्स देखता है कि एक्लिप्स के सन पे क्रैक आता है और वहां से स्कल नाइट आके गट्स और कैस्का को बचा लेता है। द सेकेंड लाइफ। दोनों वहां से बस तो जाता है लेकिन कैस्का को उस इंसिडेंट का ट्रॉमा से अभी बाहर नहीं आ पाई थी, जिस वजह से उसकी मेंटेलिटी एकदम बिगड़ जाता है और वो एक छोटी बच्ची की तरह हरकतें करने लगता है, जिसे देख के गट्स बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद स्कल नाइट आके गट्स को ये बताता है कि तुम्हारा जिंदगी अब एक नॉर्मल जिंदगी नहीं रहा, ब्रांड ऑफ सेक्रीफाइस होने की वजह से तुम अब डीमन और ह्यूमन दोनों वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो और अब से रात होने पर वो डीमंस आके तुम्हें मारने की कोशिश करेगी और तुम्हें जिंदा रहने के लिए इनसे रोजाना लड़ना पड़ेगा, थोड़ी सी भी गलती हुई तो तुम्हें वो ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ जहन्नम से भी ज्यादा बुरी हालत होती है। जिसके बाद कैस्का बाहर आती है और गट्स उसके पास जाता है और तभी कैस्का के पेट में दर्द होने लगता है। असल में ग्रिफिथ के रेप के वजह से कैस्का प्रेग्नेंट हो चुकी होती है और वहाँ पे कैस्का एक डीमन को जन्म देता है बट सूरज की रोशनी की वजह से वो डीमन भाप बन जाता है, जिसे देख के कैस्का बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रोने लगता है और ये सब देख के गट्स को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो मन ही मन कसम खाता है कि वो सभी डीमंस और ग्रिफिथ को मार के कैस्का और खुद को इन सभी मुश्किलों से फ्री होगी। और इसके बाद शुरू होती है गट्स की जर्नी।